दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन का वध क्यों करवाया और आखिर ऐसा कौन महारथी था जो अर्जुन को मार सका। दोस्तों दरअसल अर्जुन को वसुओं के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए पत्नी उलूपी को छल से अर्जुन को मरवाना पड़ा। तो इसके पीछे कहानी ये है कि बब्रुवाहन अर्जुन की चौथी पत्नी और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का पुत्र था और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठर के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन विभिन्न राज्यों को देखते हुए मणिपुर पहुँचे और यहाँ जब उनके बेटे बब्रुवाहन को पता चला तो वह पिता के स्वागत के लिए दौड़ा दौड़ा नगर द्वार तक पहुँच गया, लेकिन अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने को कहा। बब्रुवाहन पिता से युद्ध करने को लेकर परेशान हो उठा। इसी वक्त वहाँ साथ आई उलूपी ने उसे उकसाते हुए अर्जुन के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर कर दिया। उलूपी ने बताया कि इस समय अर्जुन विश्व विजय की मनोकामना से उसका राज्य जीतने आए हुए हैं, ऐसे में प्रजा की रक्षा करना उसका क्षत्रिय धर्म है, वह पुत्र धर्म के बजाय राजधर्म का पालन करे। इस उकसावे में बब्रुवाहन ने अर्जुन से युद्ध छेड़ दिया और भयंकर युद्ध छेड़ने पर उसने घातक तीर से अर्जुन को मूर्छित कर दिया और कुछ समय बाद अर्जुन मरणासन्न हो गए। पुत्र के हाथों पति का वध कराने की उलूपी की चाल पता चलते ही चित्रांगदा बरस पड़ी और उलूपी को कोसते हुए रोना बलखना शुरू कर दिया। इस पर उलूपी ने संजीवनी मणि का स्मरण किया और इस मणि को बब्रुवाहन के हाथों अर्जुन के सीने पर रखवाकर उन्हें पुनः जीवित कर लिया और तब तक वसु देवताओं के श्राप से अर्जुन को मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों यहाँ उलूपी ने अर्जुन चित्रांगदा को बताया कि यह उनकी मोहनी माया थी। छल पूर्वक भीष्म का वध करने के चलते वसु अर्जुन को श्राप दे चुके थे, लेकिन उलूपी के पिता की प्रार्थना पर मुक्ति का उपाय बताया कि मणिपुर के राजा जो कि फिलहाल में अर्जुन के पुत्र हैं, अगर उनके हाथों अर्जुन का वध हो जाए तो वे इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, अर्जुन को सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। इसी श्राप से मुक्ति के लिए मैंने मोहिनी माया दिखाई। यह बात जानकर अर्जुन बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए और अर्जुन विजय के बाद हस्तिनापुर आए और शुभ मुहूर्त में यज्ञ शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थी अर्जुन के वध की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।